अच्छा, और ये जो मतलब सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, सब ये सब कुछ बंद है। व्हाट्सएप वीपीन डालोगे तो चलेगा, लेकिन वो बहुत स्लो है। अब बहुत आज स्लो है। हाँ डालोगे तो 10 मिनट बाद मैसेज आएगा, तो सही है, सही है, अच्छा खासा कंट्रोल है उनका। सही है, सही वहाँ है। की खुद की जो है ना वो बायदू है, अच्छा, बायदू लेकिन प्रॉब्लम ये है बहुत एक्सटेंसिव है, लेकिन वो पूरी चाइनीज के अंदर है। पूरी चाइनीज के अंदर अभी इंग्लिश आप नहीं सब है। समझने बैठोगे ना 2 दिन लग जाएंगे आपको। ओ ओके ओके ठीक तो एप्पल मैप ली और टैक्सी से मैं होटल पहुंच गया। अभी है, हुआ सीन क्या हुआ, टैक्सी बहुत कॉस्टली है वहाँ पे। बहुत कॉस्टली है। मेरा होटल वहाँ से 28 किलोमीटर और कॉस्ट मेरा हो घर, जाती है। हाँ तो हाँ बेस्ट यूज़ है कि तो एप्पल एप्पल मैप यूज़ करें, बता सबसे बढ़िया। लाइफ सेविंग है, लाइफ सेविंग है, मतलब आराम से यूज करो। क्योंकि मैप के बिना आसपास तो फिर नहीं पॉसिबिलिटी सब बहुत घूम चीज़ें, सकते हैं, हाँ लैंग्वेज नहीं की घूम उतनी सकते। प्रॉब्लम है कि सिर्फ वहाँ जो कॉलेज के बच्चे हैं ना वही थोड़ी बहुत बोल पाएंगे, बाकी लोकल तो आप नहीं कम्युनिकेट कर सकते, बहुत मुश्किल चैनल है। मैं रोबिन दीवान आपका स्वागत करता हूँ। तो भाई इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट चाइना ट्रैवल के बारे में, इमिग्रेशन कैसा है, कैसे जाना है, क्या डॉक्यूमेंट्स है, सारे मतलब सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। मेरे हिसाब से अभी तक अपने चैनल पे कोई आया नहीं है रिसेंटली चाइना के ट्रैवल के रिगार्डिंग, हाँ बिल्कुल, कोई नहीं तो अभी। अभी ट्रैवल हंगरी जी है मेरे साथ, रिसेंटली उन्होंने ट्रैवल किया है चाइना। थैंक तो सर वेलकम, कैसे हो? यू रोहिण भाई, क्या आप बताओ। पहले ऑल गुड, ऑल गुड। देखो आपके शानदार काम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई यार। अच्छा मतलब ये कि एक बोलते हैं ना जैसे कि एक संजीवनी बूटी है ट्रेवलर्स के लिए, कि अरे इसने वाह, अगर ऐसी कंट्री जाना है जहाँ डिपोर्टेशन बहुत ज्यादा है तो वो हाँ बंदा सबसे पहले आके आपके चैनल पे मत्थे टिकाएगा। तो मैं भी अच्छा देखा था आपका वीडियो, जो अभी आपने आप, देखा ना, कल हाँ वाला जी, था हाँ जी, जो यूके से हाँ वो जी, हाँ जी, मना हाँ कर जी, रहे थे उसको, तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत हेल्प कर रहे वास्तव में आप, बिल्कुल बताइए बिल्कुल बिल्कुल। आप। चलिए थैंक यू सो मच सर। अच्छा तो सर अभी चाइना का डिस्कस करना हमने, आपने रिसेंटली ट्रैवल किया है, तो आपने सर यहाँ से दिल्ली से कैसे ट्रैवल किया, फिर वहाँ से कहाँ गए, ये थोड़ा सा बताइए। देखिए मेरा यहाँ से दिल्ली से था, मैंने लगवाया था बिजनेस वीजा, क्योंकि ओके तो मेरा जेम्स स्टोन्स का बिजनेस है और मैं ब्लॉगर भी हूँ, ट्रेवल ओके ब्लॉगर भी हूँ। ठीक है। तो मेरे पास में दिल्ली चाइना की पार्टी का लेटर था, इंडस लेटर था, तो इनविटेशन मुझे लेटर। प्रॉब्लम आई नहीं ना, मैंने कोई स्टेटमेंट दिया वहाँ पे अच्छा ना, उन्होंने मुझे कोई टिकट मांगी। अच्छा सिंपल मैंने अपना GST और मेरा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस और जिस फर्म से मैं काम करता हूँ चाइना के अंदर ठीक है, उसका वहाँ का वर्क लाइसेंस और वहाँ का लेटर, ठीक है, सिर्फ मैंने 4 डॉक्यूमेंट दिए था उनको। ओके। और इनका जो एम्बेसी नहीं ले रही, ये VFS का चाइना एप्लीकेशन सेंटर वो ले रहा है, अच्छा VFS वो जाना अपना पड़ता है बिल्कुल मतलब जाना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम आपको जाना पड़ेगा सर, शिवाजी जैसे स्टेडियम, जैसे हम शिवाजी शे स्टेडियम हाँ जैसे हम शैनिगन का अप्लाई करते हैं कि भाई कवर लेटर बना दिया, बिल्कुल आइटनरी बिल्कुल, कवर सारा लेटर सब आपका आएगा। आइटनरी की कोई जरूरत नहीं है, अभी आप बिजनेस पे जा रहे हो तो ठीक है, आइटनरी जरूरत नहीं है, कवर लेटर आपको चाहिएगा, ठीक आपका है। पासपोर्ट, 2 फोटोग्राफ्स, और इनका पूरा जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना वो पूरा पूरा ऑनलाइन है। आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन फिल करना पड़ेगा, उसका एक बारकोड आएगा और अपॉइंट मेटर आपका इसमें जनरेट होगा। वो हालांकि मैंने अपने चैनल डाल रखा है ट्रेवल अंग्री पे, तो आप देख रहे हो पूरा अच्छा ठीक है, पूरा ठीक है, वीडियो कम्प्लीट बिल्कुल वीडियो मिलेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये खैर जमा हो गया, वहाँ का बायोमेट्रिक्स होगा और एग्जैक्ट 5 वर्किंग डे में मेरा पासपोर्ट मेरे हाथ में आ गया आ था, गया, वीज़ा लग चुका था। कोई ठीक रिटर्न टिकट नहीं मांगी, कोई स्टेटमेंट नहीं मांगा मेरे से, ठीक है, कोई कोविड का सर्टिफिकेट नहीं मांगा, मतलब इतना इजी वीज़ा जैसे सिंगापुर का था, ओके। इतना मिथ है इसको। कितने चार्जेज हैं सर उसके? अच्छा इसका लगभग मतलब विद कोरियर मेरा 9,000 चार्ज लगा था, कोरियर कंपलसरी है विद कोरियर, तो हाँ मेरे वो पास कंपलसरी है, तो हाँ 9,000 93 सर हंड्रेड कुछ चार्ज लगा अपॉइंटमेंट था। लेनी पड़ती है कि वॉकिन है? नहीं वॉकिंग नहीं है, आपको लेना पड़ेगा, अच्छा होटल लेने अपॉइंटमेंट, पड़ेगा, अपॉइंटमेंट मिल जाती लेकिन है, कोई इशू तो नहीं है? मिल जाती है, मिल जाती है, हाँ दो ठीक तीन है, दिन से आराम से मिल रही है, अभी तो मिल मिल रही जाती है, क्योंकि शैनिगन की तरह नहीं है कि भाई महीना महीने का है। टाइम नहीं रहता है। नहीं बहुत आराम से मिल रही है, बहुत इजी मिल रही है। और लेकिन मैं जब गया था तो वहाँ इतना जबरदस्त था कि मेरा नंबर आने में 3 घंटे लग गए थे मुझे। अच्छा जी बिल्कुल, तीन ओके घंटे बाद नंबर आया, उसके बाद मेरा फिंगरप्रिंट हुआ, तो मैं देखो मैं 10 बजे गया हुआ, मैं वहाँ से 2 बजे निकला हूँ, ठीक है, ये हो गया सबमिट हो गया, टिकट ठीक है, विकट थी नहीं, ठीक है, एग्जिट 5 दिन बाद में मेरा वीज़ा लग वीज़ा आ के आ गया, गया था, उसके ठीक है, बाद मैंने टिकट्स करवाई थी। ओके सही है, इमिग्रेशन की बात करें तो यार इमिग्रेशन वहाँ का रैंडम है, ठीक है। मैं जब गया था तो बहुत स्मूथ था। वहाँ पे क्या सीन है ना कि कोई पहले सर थोड़ा एक्सेप्ट सा आप यहाँ से बताइए, यहाँ से आपने कौन सी एयरलाइन से कैसे क्या ट्रैवल किया, इंडिया यहाँ से? से देखो, यहाँ से तो बेस्ट रूट है ना वो अभी हांगकांग का है, हांगकॉन्ग का लेकिन उसकी टिकट बहुत कॉस्टली आ रही थी, महंगी आ तो रही मैंने थी। रूट पकड़ा था यहाँ दिल्ली टू बैंकॉक, और बैंकॉक में सोनभूमि और फिर डॉन मुआंग से शेनेगल अपना शेंजल, ओके तो कौन सी यहाँ से एयरलाइन? थी मेरी जेट एयरवेज ठीक है, और वहाँ से थी मेरी एयर इंडिया, सॉरी एयर एशिया, क्योंकि एयर एशिया, ओके ओके पूरा टिकट मुझे पड़ गया था लगभग 42 का।
ऑलराइट ऑलराइट, मतलब काफी डिफरेंस आ गया फिर तो, बहुत सही है। बहुत, अभी जो हांगकांग का रूट है वहां से लगभग बन रहा है 70 से ज्यादा लग रहा है, ओके ओके ओके, तो आधा हो गया। आधा हो गया, सही है सही है, तो यहाँ से इन्होंने, जब मैं यहाँ से बोर्ड गया बैंकॉक का था तो कोई दिक्कत हुई नहीं कोई बैंकॉक में दिक्कत ही नहीं, से। बैंकॉक के लिए तो कोई होने नहीं थी। बैंकॉक में एक दिन रुका, और जब नेक्स्ट डे मेरा बोर्ड करना था मुझे शेंजन के लिए, तब वहाँ पे दिक्कत आई कि वहाँ पे क्या है ना, कस्टम का आपको डिप्लेशन फॉर्म भरना पड़ेगा जो कि ऑनलाइन है, ठीक है, अच्छा वो और ऑनलाइन वो ही करना पड़ता है बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और वो है वी चैट पे। वीजेट पे। वी चैट अपने इंडिया में बैन है, पर आप नया तो नहीं लगा, आप डाल रखा है तो दिक्कत नहीं है, अच्छा नया डालेगा नहीं, अच्छा तो यार वहाँ एक थोड़ी सी दिक्कत थी, और उसके बिना आपको बोर्डिंग पास नहीं इशू हो रहा था वहाँ पे। मतलब वीचैट ऐप पे बोल रहे हो आप? जी वी चैट ऐप पे क्या है, एक उनका मिनी प्रोग्राम है, एक बारकोड है उनका कस्टम्स वालों का, चाइना कस्टम्स वालों का, जब आप उसको स्कैन करोगे ना तो आप उनके पेज पर जाओगे, ठीक है तो वहाँ पे हालांकि बहुत बेसिक सी इन्फॉर्मेशन पुट करनी है आपने, ठीक है लेकिन चाहिए, आपको वो बारकोड फिजिकल चाहिए, उसके बिना वो अलाउ नहीं कर रहे थे वहाँ पे। अच्छा उसके बिना अलाउड नहीं कर रहे। जी तो एक वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम थी उस दिन पे, काफी लोग बेचारे थे जो वो नहीं कर पा रहे थे, तो वहाँ फिर लगभग घंटा डेढ़ घंटा लग गया, उनकी साइट डाउन थी, तो वहाँ फ्लाइट तकरीबन 2 घंटे डिले हो गए थे चक्कर के अंदर। बारकोड लिया, बोर्डिंग पास दे दिया हमें, हम लोग शेंजन बोमाऊ जो एयरपोर्ट है वहाँ उतरे थे, और कुछ भी नहीं पूछा मैंने वहाँ पे, हर ठीक है जगह ठीक उन्होंने बारकोड मांगा हमसे, बारकोड हम है दिखाते गए, आगे से आगे आते गए, ठीक है, मतलब इतना इजी इमिग्रेशन क्या कहीं पे बताऊँ, मेरा नहीं था। मुश्किल से 5-7 मिनट लगे होंगे, अच्छा, इमिग्रेशन क्लियर हो गया। ठीक है अब वहाँ हिमल भाई आपके चैनल से मैं ये दिखाना बताना चाहूंगा, अभी जैसा आप बताया कि यूएस के साथ पंगा चल रहा है चाइना का, हाँ चल रहा है चल तो रहा है, यार अभी कोई भी बंदा अगर सुन रहा है वो जाना चाहता है ना, तो वो यहाँ से यूएसडी कैरी बिल्कुल ना करें। मैंने अच्छा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये की थी, मेरे पास में सिर्फ 160 RMB, मतलब वहाँ का जो करेंसी है ठीक है वो था, और मेरे पास में 2000 USD थे, लेकिन ओके, अच्छा मेरी वहाँ ऐसी हालत हो गई यार कि मतलब क्या करूँ, सारे ATM ब्लॉक, मास्टर कार्ड ब्लॉक, वीजा कार्ड ब्लॉक, अच्छा अभी नहीं भाई, नहीं चल रहा चाइना नहीं में, चल रहा नहीं चल रहा, एक भी आपको एयरपोर्ट के अंदर एक्सचेंज नहीं मिलेगा एक्सचेंज अच्छा करने के लिए, और स्पेशली वो यूएसडी को एक्सचेंज कर ही नहीं रहे, कर ही नहीं रहे हैं। अगर आपके पास में हांगकॉन्ग डॉलर्स है आपका एक्सचेंज हो जाएगा, और आपको बहुत अच्छी एक्सचेंज वैल्यू मिल जाएगी, अगर यूएसडी कर ही कर रहे हो तो भाई साहब अभी तो बहुत प्रॉब्लम है, अभी बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो मैं शेंजन पहुंचा, वहां से मैंने ऑटो टैक्सी की, और टैक्सी करके मैं पहुंच गया टैक्सी अपने की होटल कॉस्ट के क्या अंदर, आती है सर, क्या मतलब आइडिया? मीटर टैक्सी है, अच्छा और आपको मतलब कुछ नहीं करना, आप जैसे बाहर आओगे एग्जिट से बाहर आओगे वहाँ लाइन लाइन लगी हुई है टैक्सी की, कोई पूछना नहीं, आप मैप डालो। और अच्छा एक चीज़ बताऊँ आपको, मैं यहाँ पे देखो गूगल पूरा बंद है वहाँ पे, ठीक है, अच्छा गूगल गूगल की काम सारी ही नहीं सर्विसेज, करता। हाँ जीमेल काम नहीं करता, गूगल ट्रांसलेट काम नहीं करता, गूगल मैप काम नहीं करता, वीपीएन डालोगे आप वीपीएन के बाद में भी गूगल काम नहीं करता वहाँ पे, वीपीएन पे भी वो स्मूथली नहीं करता होगा बिल्कुल, नहीं अगर करता, चल भी जाता है तो तो मतलब वो पंगा तो आपको हो गया। ठीक अब है। एप्पल यूजर्स की लकी है कि एप्पल मैप बहुत अच्छा काम करता है वहाँ पे, तो अच्छा लकीली मैं एप्पल यूजर हूँ तो मैप की दिक्कत नहीं है वहाँ पे, अदरवाइज अच्छा गूगल के सारे प्रोडक्ट बंद है वहाँ पे, अच्छा और ये जो मतलब सोशल मीडिया फेसबुक व्हाट्सएप सब सब ये कुछ बंद है, व्हाट्सएप वीपीएन डालोगे तो चलेगा लेकिन वो बहुत स्लो है, अब बहुत आज स्लो है, डालोगे तो 10 मिनट बाद मैसेज आएगा, तो सही है सही है अच्छा खासा कंट्रोल है उनका, सही है सही है सही है, तो तो कोशिश फिर आप यह करो मतलब कि कोई ऐसी एप्लीकेशन जो नॉर्मली बंदा यूज कर ले वहां पे, ऐसा कुछ? देखो वहाँ की खुद की जो है ना वो बायदू है, अच्छा, बायदू लेकिन प्रॉब्लम ये है बहुत एक्सटेंसिव है, लेकिन वो पूरी चाइनीज के अंदर है, पूरी चाइनीज के अंदर, अब यार इंग्लिश आप सब नहीं समझने बैठोगे ना 2 दिन लग जाएंगे आपको। है। ओ ओके ओके तो एप्पल मैप बेस्ट काम करता है वहाँ पे अगर एप्पल यूजर हो तो, और इसके अलावा ब्राउजर वहाँ पे आप गूगल नहीं काम करेगा तो बिंग यूज कर लो, माइक्रोसॉफ्ट का बिंग अच्छा काम करता है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं दिखाएगा लेकिन आपका काम चला देगा वो, काम चल जाएगा। और बिंग का ही जो ट्रांसलेटर है वो काम करता है। और सर अगर आपने वो जो सिम कार्ड वगैरह कुछ यूज किया हो तो वहां पे बेस्ट हाँ देखिए आपके सिम हिसाब कार्ड से? का ठीक होता क्या है ना कि एयरपोर्ट में सिम कार्ड नहीं मिला था मेरे को, तो रात को है पहुंचा था तकरीबन मैं 2 बजे लैंड हुआ था, तो सब कुछ बंद हो चुका था, ओके तो मैंने सिंपल से वहाँ टैक्सी की और टैक्सी से मैं होटल पहुंच गया। ठीक अब यह है, हुआ सीन क्या हुआ, टैक्सी बहुत कॉस्टली है वहाँ पे, बहुत कॉस्टली है। मेरा होटल वहाँ से 28 किलोमीटर, और मेरा बिल बन गया RMB का 200 RMB, मतलब 2400 रुपये, और मैं कैरी कर रहा था 160 RMB, तो अब तो वहीं पंगा वाला में कह रहा 40 RMB कम पड़ रहे हैं क्या करेगा, हाँ ट्रांसलेटर मेरे पास में है नहीं, लैंग्वेज आती नहीं, ठीक है बड़ा उसको मैंने समझा समझा के मैं अपने हॉस्टल लेके आया उसको, अच्छा अब मैं हॉस्टल में वहाँ और समस्या कि वो डॉलर्स नहीं लेते,
डॉलर्स नहीं लेते। मैंने कहा सर आप, उन्होंने मना कर दिया हम आपको स्टे नहीं करने देंगे। मैंने कहा मैं लगेज अच्छा रखूंगा, अच्छा मैं अब मैं बाहर सो जाऊंगा या आपका जो वेटिंग एरिया में सही है वेट करूंगा। सही है। वो कहा आप अलाउ नहीं करेंगे। ओके जी, मैं कहा आप 100 रुपये ले लो या 200 दे लो यार, ये तो थोड़ा रूड वाला हिसाब किताब हो गया। बहुत रूड नेचर क्या ना, वहाँ लैंग्वेज की प्रॉब्लम है। चाइनीज बहुत पोलाइट है मिक्स होने के बाद में, लेकिन अब मैं नया था कंट्री में, फर्स्ट टाइम मिला था, सही है। तो वो कह नहीं साहब हम आप तो एक तो क्या वहाँ पे हमारे जुहेद भाई दिल्ली के ही हैं, वो अच्छा अच्छा वहीं बैठे खाना खा रहे थे 2 बजे। अच्छा तो बस आए, हे यू इंडियन, मैं हाँ क्या प्रॉब्लम हो गया, ऐसे ऐसी प्रॉब्लम हो गया। तो उस बंदे ने वहाँ मेरी हेल्प की, अच्छा 40 RMB टैक्सी वाले को भी दिए, अच्छा उसको मैंने 100 US से दिए होटल वाले को। हाँ। अब वो कह रहा है मुझे 1 दिन का किराया तो आप RMB में दो। हाल क्या है, अगर आप USD अगर बैंक से एक्सचेंज करवा रहे हैं ना तो बैंक में आपको 3 से 4 घंटे लग रहे हैं एक्सचेंज करवाने में। जैसे आप कोई भी बैंक है वहाँ बैंक में जाके आपने USD दिया तो पूरा प्रोसेस में 4-4 घंटे लग रहे हैं वहाँ पे 100 USD चेंज कराने में। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अभी USD की आप मत कैरी करो। ठीक। सिम कार्ड देखो बहुत इजी है, सिम कार्ड का वहाँ क्या सीन है, वहाँ प्रीपेड सिम कार्ड कोई भी नहीं है अभी आज के डेट में, सारे पोस्ट पेड है। सारे पोस्ट पेड। तो दो बड़े वहाँ के प्लेयर्स हैं, चाइना मोबाइल और यूनिकॉम। तो आप वहाँ ले लो सिम कार्ड, वहाँ पड़ेगा आपको लगभग 2400 रुपये का, 200 RMB का। ठीक है। उसमें आपको वो 20 GB देगा आपको 5G डाटा। और इसमें क्या आपका बिल आएगा वहाँ पे 100 RMB का आपका डेली बिल चलने लग जाएगा। तो वो भी वहाँ वो बताएगा कि जब आप चाइना वापस छोड़ रहे हैं ना तो उनके पास एक एक लिंक है, एक कोड है, QR कोड है, आप उस QR कोड पर जाओ और अपना सिम को डीएक्टिवेट कर दो। ठीक है। तो आपका जो मंथली रेंटल है ना वो वेव हो जाएगा। ओके ओके। और जब दोबारा आप चाइना जाओगे कभी तो आप उसको वापस ऑन कर लो। तो ये कुछ ऐसा सा सीन है वहाँ पे। तो सर खाने का क्या सीन है, वो थोड़ा सा इंडियन खाना अवेलेबल है कि नहीं? देखो मैं एक्चुअली वेज हूँ, वैसे एग खा लेता हूँ। ठीक है। खाने का तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम शेंजन के पर्टिकुलर अंदर कुछ रेस्टोरेंट्स हैं लेकिन अगेन बहुत कॉस्टली है। पीली दाल सबको बोलते हैं यहाँ पे 60 RMB की, ओके इंटू 12 कर लो आप। बट हॉस्टल में अवेलेबिलिटी थी कि बना के खा सकते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा। आप वहाँ पे उन्होंने इंडक्शन चूल्हा रखा है और चाय की कॉफी, चाय और कॉफी की मशीन लगा रखी है, इसके अलावा कुछ नहीं है वहाँ। कुकिंग तो अलाउ नहीं थी, मेरे समझ नहीं थी। वहाँ पे एक सदाजी का मैश है वहाँ पे, क्योंकि वो शेंजन के अंदर है ना ये मेडिकल बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं वहाँ पे। अच्छा अच्छा ठीक। तो वहाँ मुझे 200 रुपए का, 200 Indian rupees का डोसा मिल गया था। अच्छा अच्छा डोसा। तो वो मतलब वहाँ मतलब साउथ इंडियन फूड तो मिल जाएगा आपको, कॉस्टली है लेकिन पेट भर लोगे। ठीक। बाकी सी फूड बहुत है, सी फूड तो बहुत है, बहुत कॉस्टली है। मतलब मैं उम्मीद, मैं आज तक 20 कंट्रीज विजिट कर चुका हूँ लेकिन बहुत कॉस्टली है, चाइना के हिसाब से बहुत कॉस्टली है। बहुत कॉस्टली है। ओके ओके ओके। तो अभी हॉस्टल के प्राइस आपके हिसाब से क्या चल रहे हैं? देखिए वहाँ हॉस्टल के हिसाब से, हॉस्टल जैसे मैंने लिया था ना तो वहाँ 3 तरह के आप क्या बोलते हैं उसको, कैप्सूल बेड जैसे होता है ना। हाँ हाँ ठीक है। तो कैप्सूल में 3 तरह के हैं वहाँ पे, ओके ओपन कटन वाला एक, उसके अंदर गेट है और एक कपल का है। तो जो मैंने, मुझे नहीं पता था तो मैंने कटन वाला कैप्सूल लिया था, तो वो मुझे मुझे आया था 70 RMB पर नाइट। कितना हो गया इंडियन के हिसाब से? लगभग 800-900 रुपये का। 800-900 तो फिर तो ठीक है, फिर तो ठीक है। हाँ। और जो कैबिन वाला है जिसके अंदर लॉक है और डिजिटल आपका कार्ड वाला जो डिजिटल वाला है वो लगभग 2000 का पड़ रहा है वहाँ पे। ओके 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 ओके। मेट्रो बहुत कन्वीनियंट है, बसें बहुत अच्छी है, फ्रिक्वेंट है। तो कार्ड वगैरह कुछ चलता है उसमें सर, या क्या टोकन क्या करें, कार्ड चलता है कि टोकन लेना पड़ता है? कार्ड कार्ड मैंने क्या लिया था, बस मैंने टिकट ली थी, टिकट ही ली थी, चल जाता है। मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट इजी है, कोई दिक्कत नहीं है? बहुत इजी है, कन्वीनियंट है। okay. और टाइम के बहुत पक्के हैं। ओके आपको जो उसमें एप्पल मैप में टाइम दिखाएगा 4 मिनट बाद बस आएगी, वो 4 से 6 मिनट बाद बस आ जाएगी, मतलब आ जाती है। हाँ, तो बेस्ट यूज है कि एप्पल एप्पल मैप यूज करें, बता सबसे बढ़िया। तो लाइफ सेविंग है, लाइफ सेविंग है, मतलब आराम से करो, क्योंकि मैप के बिना तो फिर पॉसिबिलिटी नहीं, सब कुछ सकते हैं। हाँ, लैंग्वेज की प्रॉब्लम है कि सिर्फ वहाँ जो कॉलेज के बच्चे हैं ना वही थोड़ी बहुत बोल पाएंगे, बाकी लोकल तो आप नहीं कम्युनिकेट कर सकते, बहुत मुश्किल है वहाँ पे। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जी ठीक है। चलिए सर, थैंक यू सो मच, बहुत ही लेटेस्ट, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने शेयर करी है मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो सर आपने ट्रैवल किया है, आपने एक्सपीरियंस करा है और कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन आप अभी शेयर कर रहे हो एकदम निचोड़ करके, है ना? तो ये चीज एक जगह नहीं मिलती। मैं भी जब गया था ना तो मेरे पास भी बहुत अच्छा, एक चीज आपको एक और 2 मिनट और लूंगा आपका, जाते हुए मेरा इमिग्रेशन बहुत स्मूथ था, मैं बोला कोई आते हुए बड़ा गजब पंगा हुआ। क्या हुआ?
अब हुआ क्या कि जब मैं बैंकॉक था तो आपको पता होगा छोटू चाक मार्केट है, वीकेंड मार्केट है, वहां से कुछ मैंने सामान ले लिया। सोप जो होती है, स्नानी की सोप होती है, जो जो कॉस्मेटिक फ्री ठीक है कॉस्मेटिक, वो मैंने ले ली और ठीक वो गलती से बबल रैप के अंदर पैक थी। है ओके। वापस जब मैं आया तो अब इमिग्रेशन क्लियर हो गया, सारा मैंने चेकिंग कर ली, गया अपना बैग मेरा चेक इन कर लिया, फ्री हो गया, सब कुछ हो गया। अब इमिग्रेशन के बाद में मैंने एक और काउंटर पहले बार चाइना में देखा है कि इमिग्रेशन के बाद में काउंटर और है आपका, वहाँ मैंने पासवर्ड सबमिट किया अपना, उन्होंने बोला वेट, वो बहुत रूट गए मैं, वेट अच्छा अच्छा मतलब क्या हो गया भाई, आपका लगेज चेक होगा, मेरे पास 1-7 किलो का लगेज था जिसमें लंबा कैमरा लगेज वगैरह थे, हाँ सही कर ले। ओके। वो अब उन्होंने रविंद्र भाई मुझे पूरा इमिग्रेशन क्लियर किया हुआ, उन्होंने मुझे उस इमिग्रेशन कैंसिल किया है, मुझे डिटेंशन रूम में ले गए, ओके मतलब बड़ा अच्छा एक माहौल बन गया था। फिर जाके मैं बैठ गया, वहाँ पे एक लड़की और थी, ये भी ओके चाइनीज होगी, वो भी वेट कर रही थी। तकरीबन 2 घंटे बाद दो बंदे और आ गए वहाँ पे, ऐसे रैंडम चेकिंग वाले, मैं बैठा रहे काफी टाइम निकल गया, पूछा अभी क्या हुआ, तो बोला आपका बैग चेक होगा, कर ले भाई, क्योंकि सिर्फ कुछ 1.5 घंटा बचा था मैं फ्लाइट के अंदर। सही है। तो वहाँ हल्ला गुल्ला मचाया, तो 2 कस्टम ऑफिसर्स आए पूरे व्हाइट गेटअप के अंदर, और क्या आपका बैग चेक होगा। रोबिन भाई वो हमारे फ्लाइट में लोड किया हुआ लगेज निकला वाला है, चारों का ट्रॉली के अंदर जो हम लगेज अच्छा लोड कर चुके थे ठीक है वो लिया। अब। हाँ तो ठीक, अब बोला कि अब उन्होंने मेरे सूटकेस में एक व्हाइट मार्क लगा रखा था कि यहाँ दिखाओ मुझे यहाँ क्या है। अच्छा ओके तो मैंने ओके बैग, हाँ बैग, बाकी कुछ मत को लगा के नहीं चाहिए, आप यहाँ दिखाओ। तो मैंने दिखाया, इतना बड़ा वो बबल सा था, व्हाट इज दिस, मैं क्या सोप, क्या व्हाट सोप, नहाने का साबुन भाई, देखा सुनूंगा, ओके सॉरी थैंक यू। इस पूरे ताम झाम में 2 घंटे लग गए हमारे, दो जो घंटे लग गए। सही बात चाइनीज लड़की थी उसके पास एक जो होता ना फेस मास्क, है। हाँ फिक्स शीट कॉस्मेटिक जो कॉस्मेटिक का सामान होता कॉस्मेटिक, है। हाँ उसमें पकड़ लिया उसको। तो वही है वही है वही है। यार यहाँ कहने का मतलब ये, अच्छा जैसे अब मेरे फ्रेंड बट चक्कर वो ये है थी ना कि सर, आप चेक इन बैग में तो जैसे कैरी करते हैं उसमें तो लेके जा नहीं सकते, हाँ नहीं लगेज में तो आज लेके जा सकते हैं, उसमें अलाउड बिल्कुल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अब एक फ्रेंड के पास में ई सिगरेट था, ई सिगरेट हालांकि चाइना के अंदर बैन है लेकिन बहुत बैन ओपनली बिक रहा है। ओपनली भी अब कर, उन्होंने उसको कहीं नहीं रोका, उसको कहीं नहीं वो रोका, पूरे कस्टम में देखो आराम से लेकर था सिगरेट जो चीज बैन है उसको रोक नहीं रहे हैं। हाँ वो रोक लिया, रोक लिया। तो बिल्कुल भी ये है कि अभी एक तो आप हांगकांग का रूट पकड़ो, रूट थोड़ा कॉस्टली है लेकिन ठीक है सेफ है, सेफ है। यूएसडी, आप यूएसडी मत कैरी करो, आप हांगकांग डॉलर्स कैरी करो। सही है और कार्ड मेरे पास में एक ना कार्ड है, अब मैं उसको प्रमोट नहीं करूंगा उसको, ट्रेवल हाँ कार्ड है ठीक जो है नॉर्मल होते हैं ठीक है ठीक है सबसे बेस्ट है, सबसे एस बी बेस्ट आई बंद, एस एस बी बंद, यस बैंक बंद, ठीक है। तो वो एक लाइफ सेविंग मेरा वो कार्ड बचा, उससे ही मैं मतलब काम चलाया मैंने। नियो ग्लोबल वगैरह है क्या कुछ ऐसा? वो FFI फेडरल बैंक का कार्ड है, FI नाम से है, वो ओके ओके नियो भी चलता है नियो भी लेकिन चलता मैं है। मेक माई ट्रिप का कार्ड यूज करता हूँ, या आपका F1 फेडरल बैंक का कार्ड बहुत अच्छा है, ठीक है ठीक उसमें आप कुछ भी निकलवाओगे ना तो 100 रुपये चार्ज लगता है, ओके 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 और क्या ओके चाहिए बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। बहुत बढ़िया, तो बहुत और अच्छे से बताइए। आपने सारी चीज़ें बताई, बहुत अच्छे से, और चलिए एकदम थैंक लेटेस्ट यू। इन्फॉर्मेशन दी है। मेरे नहीं हिसाब से अभी बिल्कुल यहाँ अभी गूगल पे भी नहीं मिलेगी, अगर इतना हम सर्च करने लगे ना नहीं, तो अब इतनी नहीं यूट्यूब पर नहीं है, मिलेगी। आप ही बनोगे पहले वाले। हाँ तो इतनी नहीं चलिए मिलेगी। तो भाई इस वीडियो को ठीक, शेयर जरूर करना। देखो बहुत थैंक सारे अपने इंडियन भाई हैं कि जिनको ट्रैवल करना है चाइना, बहुत सारे हैं, कोई बिजनेस के पर्पज़ से है, कोई कुछ पर्पज़ है, किसी का कुछ है, तो भाई उनके बड़े काम आएगी। सस्ते में कैसे आप ट्रैवल कर सकते हो, क्या डॉक्यूमेंट्स है सारे उन्होंने बता दिए, वीज़ा का भी बता दिया, इमिग्रेशन का भी बता दिया, डॉक्यूमेंट्स क्या कैरी कर रहे थे सारी चीज़ें, चाइना में कैसी सिचुएशन है, क्या आप यूज़ कर सकते हो, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन कर दी हैं एक ही वीडियो में। तो भाई इसको शेयर जरूर करना। और सर आपका चैनल का बताए थोड़ा सा। सर ट्रेवल अंग्री, ट्रेवल ओके ओके हाँ अंग्री है, अभी मैं 28 कंट्रीज घूम चुका हूँ, चैनल ओके मेरा नया है तो ओके। इतना कोई तो पॉपुलर भाई नहीं है लेकिन बहुत सारी एक्सपीरियंस आपको इनके चैनल पे मिलेगा, अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए चाइना के रिगार्डिंग तो इनके चैनल पे जाके विजिट कर सकते अच्छा। तो हो। भाई एक मिनट कट करूंगा हाँ आपको, एक चीज बिल्कुल और है, अभी क्या रिसेंटली एक चेंज हुआ था कि अगर आपको चाइना में आप कहीं से जाते हो ना तो आर टी वीसा तो मांग रहे हैं, लेकिन अच्छा जो आर टी वीसा उनका जो है वो नॉर्मल नहीं है, उनका है न्यूक्लियर एसिड वाला एक नया पंगा शुरू किया है, तो कोई भी अगर बंदा करवाता है इंडिया से करवा रहा है, हांगकांग से करवा रहा है, तो आप उसको बोलो कि भाई तू जो आरटीपीसीआर कर रहा है उसको मेंशन करे कि ये न्यूक्लियर एसिड पॉलीमर टेस्ट है, अच्छा मतलब अपन जो नॉर्मल करते हैं ना वो हाँ होता नाम सही नॉर्मल है लेकिन हाँ, वो उसमें लिखा होना चाहिए कि ये उसमें न्यूक्लियर एसिड मेंशन होता है। मेंशन होना चाहिए जी ये बिल्कुल, टेस्ट है। और सर वो कोविड की मतलब क्या सिचुएशन है यहाँ पे, अल्लाह सब बुल्ला कुछ चल ही रहा नहीं था? है, मतलब यहाँ से अच्छा है वहाँ पे, यहाँ अच्छा से अच्छा कुछ भी नहीं है, और फेस मास्क भी कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है, ठीक लेकिन है वहाँ के लोगों में हैबिट है, तो 90% आपको उधर के लोग आपको मास्क पहन के दिखेंगे, हम लोग नहीं दिखेंगे आपको, तो हाँ उन लोगों का हैबिट है। चलिए
थोड़ा सा कि ये आप जो आर्टिफिशियल वाला आप मेंशन करवाओगे न्यूक्लिक एसिड ही होना चाहिए आपका। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बिल्कुल बिल्कुल, ठीक थैंक यू है। सो मच।